सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा कि रिजल्ट कब आएगी और कैसे आएगी। यदि आपने एग्जाम दिया है इस वैकेंसी का तो आपको इस वैकेंसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा जेएसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसके कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त तो नहीं, डेट मेंशन नहीं है, लेकिन अगस्त का सेकेंड वीक यानी कि 15 अगस्त ही आप मान लीजिए तक आपका रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये आज है 26 जुलाई, ठीक है। तो अभी तक ना आपका रिस्पॉन्स किया है, क्या आपने आंसर किया है, ना उसका रिस्पॉन्स किया है, ना फाइनल आंसर किया है ऑब्जेक्शन के बाद। उसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट के बाद आपका डीवी कराया जाएगा। डीवी में हफ्ते दिन का समय लगेगा। उसके बाद डीवी में जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो इसके लिए काफी समय लगता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन अभी मात्र आपके 20 दिन भी बाकी नहीं है। तो क्या ऐसे में आपको भरोसा है कि जैसे सी समय पे अपने तय कैलेंडर के अनुसार आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा? तो इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और झारखंड सीआईटीएस संघ जो है वो 22 तारीख से ही धरने में बैठा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि 930 वैकेंसी के लिए लगभग 8,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे और मात्र यहाँ पे 50-60 भी कैंडिडेट प्रतिदिन वहां पे हाजिर नहीं हो पाते हैं। तो क्या जो बच्चे वहां पे, जो कैंडिडेट्स वहां पे हाजिर हैं, क्या उनके लिए सिर्फ वैकेंसी है? बाकी 930 कैंडिडेट्स कहाँ गए? 930 के डबल आप 2,000 कैंडिडेट कहाँ गए? क्या आपको ये भी भरोसा नहीं है कि क्या आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है? अगर नहीं होने वाला तो आप ठीक है, दूर रहिए, आपको किसी भी वैकेंसी में आपका नहीं होने वाला है। अगर आपको ये भरोसा ही नहीं है कि मेरा क्या इसमें होगा या नहीं होगा, कम से कम झारखंड के स्टूडेंट्स 8,000 में कम से कम 5,000-6,000 कैंडिडेट्स तो झारखंड के ही होंगे। उसमें से 1,000 कैंडिडेट तो कम से कम धरने के स्थल पे आना चाहिए जिनका सिलेक्शन भी होने वाला है। इस वैकेंसी में आप यकीन रखिए 930 में से आपका 800+ कैंडिडेट्स आपका झारखंडियों का ही होने वाला है, ठीक है। तो आप मैं बाहर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट से तो मैं उम्मीद कम ही करूंगा। हालांकि अगर आपको आप सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कर सकते हैं, कैसे करना है मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, कहीं से भी, किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप इस धरने को, सीआईटीएस संघ के धरने को आप सहयोग करें। संडे के दिन में भारी संख्या में आप मौजूद हो, तभी आपका ये जो रिजल्ट है वो कॉमन मेरिट लिस्ट आपका तुरंत आ सकता है। जेएसएससी के कैलेंडर पे भरोसा ना रखें, क्योंकि आप देखे होंगे जेएसएससी ने कितनी ही बार कैलेंडर जारी किया होगा, कोई भी कैलेंडर अभी तक उसका कोई भी एग्जामिनेशन समय पे, कोई भी रिजल्ट सही सही समय पे नहीं हुआ है। उसका कैलेंडर तो बनता ही है फेल होने के लिए, बदलने के लिए। तो जेएसएससी के सिर्फ भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको धरने पे आना पड़ेगा, भीड़ एकत्रित करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा अभी इसलिए भी जरूरी है, अगर हफ्ते दिन में आपका रिजल्ट नहीं आया, जुलाई के एंड तक में अगर रिजल्ट नहीं आया तो भूल जाइए इस वैकेंसी को। क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। न्यूज मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त का 22-24 अगस्त को आपका आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता लगने के बाद आप भूल जाइए कि आपका इस सरकार में ज्वाइनिंग होने वाला है। और इस सरकार में ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो आने वाले अगले सरकार जरूरी नहीं कि रिपीट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये गवर्नमेंट अपने जितने भी वादे किए थे गवर्नमेंट वैकेंसीज को लेकर किसी में सफल नहीं रही है, नाकाम रही है। तो भूल जाइए कि
आपका ये गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी, और रिपीट नहीं होगी तो अगले गवर्नमेंट में क्या भरोसा है कि वो इस सरकार की वैकेंसी को पूरा करेगी, क्योंकि इस सरकार ने इसलिए पिछले सरकार वाले जितने भी वैकेंसी थे सबको रद्द करके फिर से फ्रेश निकाली, और फिर से अभी तक उसका किसी भी वैकेंसी में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है कुछ एक को छोड़ के। ठीक है, तो आप इस उम्मीद में ना रहे कि सरकार इस वैकेंसी को ज्वाइन करा ही देगी, आपको भी इसके लिए दम लगाना पड़ेगा। धरना स्थल पे आइए, जो कि रांची के राजभवन के पास रखा गया है, भारी संख्या में संडे को चाहिए होगा, भीड़ की जरूरत होगी, आप धरने पे आइए, कम से कम 2 दिन के लिए ही आइए, चाहे 1 दिन के लिए ही आइए, लेकिन आप सैटरडे और संडे को धरने स्थल पर पहुंचिए। मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, खास करके झारखंड के लोग, आप धरने स्थल पर आइए और अपना सशरीर उपस्थित होकर आप धरने को सफल बनाइए। वहां पे कैंडिडेट 22 अगस्त से आज 5वां दिन है बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कैंडिडेट या 50-60 की कैंडिडेट के अलावा कोई कैंडिडेट पहुंचा ही नहीं, तो क्या सिर्फ उनको ही चाहिए रिजल्ट? आप सभी को रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो आप पहुंचिए संडे के दिन में, सैटरडे संडे के दिन में आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आने का संभावना बनेगा, क्योंकि मानसून सत्र विधानसभा में स्टार्ट है। अगर संडे को हम लोग एक मुद्दा एक उठा पाते हैं, भीड़ एकत्रित कर पाते हैं, मीडिया पे हम लोगों की संख्या अगर दिखती है, तो ही आपका समझ लीजिए कि विधानसभा में कुछ विधायक अगर इस मुद्दे को उठाते हैं, तो उम्मीद है कि जैसे 15 अगस्त तक हम लोगों को फाइनल रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, अन्यथा भूल जाइए और सरकार के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अलावा, इस वैकेंसी का सिर्फ ये हल नहीं है, जितने भी वैकेंसीज हैं, सीजीएल देख लीजिए, नगर पालिका देख लीजिए, जेई का कितने मशक्कत करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, पीजीटी के कुछ छात्र अभी भी जो विरोध कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, कुछ पीजीटी का ये तो हो गया है, मतलब ज्वाइनिंग तो हो गया है, और भी वैकेंसीज है, आनन फानन में एग्जाम का डेट तय किया जा रहा है और फिर से पोस्टपोन किया जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए जो एग्जामिनेशन हो गया है, हम लोग कुछ ही स्टेप्स दूर हैं, कुछ ही दिनों की बात है, तो आप जरूर आइए, उम्मीद करता हूँ, और अगर आप आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ हम आ रहे हैं इतने तारीख को, संडे के दिन, यानी कि आज हो गया 26 तारीख, 27, 28 तारीख को आप पहुंचिए संडे को विधानसभा राजभवन के सामने, हमारा धरना स्थल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, तो यही था आज का वीडियो, तो ठीक है, मिलते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, और कुछ भी अपडेट्स होता है तो ले उसके लिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।